नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके मन पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 20 मई 2023 हो चुकी है, दिन है शनिवार का। नज़र डाल लेते हैं देश भर की प्रमुख आलू मंडियों में क्या है आज आलू के भाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके चेन्नई मंडी की। तो चेन्नई मंडी में आज उत्तर प्रदेश की 16 गाड़ियों की आवक है, 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो का यहाँ बाज़ार चला है। कॉलर का आज 12 गाड़ियों की आवक है, 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक रहा है। यहाँ पर जो है सेल जो है काफ़ी अच्छी चल रही है और बैलेंस थोड़ा बहुत रुक सकता है, बाकी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जयपुर में आज 45 गाड़ियों की आवक हुई है और 8 रुपये किलो के से लेकर 11 रुपये किलो तक बाज़ार चला है। 45 गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी हैं, यानी सेल जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही है। और आगे बात कर लेते हैं नासिक मंडी में। तो नासिक मंडी में आज 20 गाड़ियों की आवक है, 10 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक आलू का भाव है। यहाँ पर थोड़ा बहुत बैलेंस रुक सकता है, लेकिन घबराने की पैनिक होने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। बेंगलोर मंडी की बात कर लेते हैं तो 23 गाड़ियों की आवक है, 600 रुपये से लेकर 750 रुपये तक बाज़ार चला है। कॉलर की यहाँ आज जो है कम आवक हुई है, 6000 पैकेटों की आवक हुई है, 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक बाज़ार चला है। और यहाँ पर भी बैलेंस बिल्कुल ख़त्म, यानी कि इतना डिमांड है दक्षिण भारत में कि आलू जो है फड़ जितना पहुँच रहा है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तेज़ी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो मुंबई मंडी की बात कर लेते हैं तो टोटल 40 गाड़ियों की आवक है उत्तर प्रदेश की, 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो। वीवीआईपी लॉट जो है 13.5 और 14 रुपये किलो तक भी बिके हैं। इंदौर का आलू यहाँ 13 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो, गुजरात का आलू 9 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक बिका है। किसान साथियों, गुवाहाटी मंडी में आज 14 गाड़ियों की आवक है, 14 रुपये किलो से लेकर 14.5 और 15 रुपये किलो तक बिका है आगरा का आलू। फरुखाबाद का जो डंप है 2 गाड़ियों की आवक है, 12.5 रुपये से लेकर 13 रुपये किलो। पश्चिम बंगाल की 13 गाड़ियों की आवक है, 9 रुपये किलो से लेकर 11.5 रुपये किलो तक यहाँ बाजार चला है। किसान साथियों, दक्षिण भारत में आलू जितनी मात्रा में पहुँच रहा है उतनी ही खपत हो रही है और सेल जो है काफ़ी तेज़ गति से चल रही है। तो ऐसे में ये शुभ संकेत आप लोगों के लिए है कि आने वाले दिनों में आलू के रेटों में इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है, हर रेट लेते हुए आलू की निकासी करते रहिए। आज विशाखापट्टनम मंडी में भी तेज़ी देखी गई है, 600 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट आगरा का आलू बिका है। कानपुर मंडी की बात करें तो किसान साथियों, गुल्ला सुपर क्वालिटी का 275 से लेकर 335, सिंदूरी 405 से लेकर 455 रुपये प्रति पैकेट, कंचन जो है 355 से 405, हालैंड आलू 405 से 445 और 3797 355 से 405 रुपये प्रति मन, क्योंकि कानपुर मंडी में मन की तौल यानी 40 किलो की तौल होती है। किसान साथियों, थोड़ा गुजरात मंडी का भाव देख लेते हैं तो बादशाह आलू 10 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो, खयाती आलू 9 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो, पुखराज 8 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो और एरार आलू 12 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक। तो गुजरात की मंडी में भी आज तेज़ी देखी गई है। इंदौर मंडी की बात कर लेते हैं तो ज्योति आलू 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो, एलआर चिप्सोना 15 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो, यूपी वाला चिप्सोना 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक यहाँ बिका है। मदुरई मंडी की बात कर लेते हैं तो 14 रुपये किलो से लेकर 16 और 17 रुपये किलो तक आलू बिका है। बंगाल में आलू का स्थिति मैमारी में 680 रुपये प्रति पैकेट, कालना में 660 रुपये प्रति पैकेट, टर्केश्वर में 680 रुपये प्रति पैकेट, कुमरुल में 685 रुपये प्रति पैकेट, पांडुआ में 660 रुपये प्रति पैकेट तक यहाँ आलू बिका है। यानी कि अगर पूरा बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में टोटल बढ़िया आलू जो है 630 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट और गड्ढ आलू 530 रुपये से लेकर 540 तक यहाँ पर बिका है। हल्द्वानी मंडी की बात करेंगे किसान साथियों तो शुगर फ्री आलू आगरा वाला 525 से लेकर 550 रुपये प्रति पैकेट, संभल वाला आलू 500 रुपये से लेकर 550 रुपये तक बिका है। मैटियापालम मंडी की आखिर में बात करेंगे तो किसान साथियों, मैटियापालम में आगरा की 8 गाड़ियों की आवक है, 700 रुपये से लेकर 850 रुपये तक बाज़ार चला है। गुजरात की 9 गाड़ियों की आवक है, 600 रुपये से लेकर 750 रुपये तक आलू बिका है। कॉलर का यहाँ पर 21 गाड़ियों की आवक है, 900 रुपये से लेकर 1020 रुपये प्रति पैकेट तक बिका है। अगर कॉलर के कोल्ड आलू की बात करें तो 9 गाड़ियों की आवक है, 720 रुपये से लेकर 850 रुपये तक यहाँ बिका है। तो किसान साथियों, थोड़ा बहुत मंडियों में आज जो है तेज़ी देखी गई है और इस तेज़ी को आप जो है कोल्ड स्टोर पर जाके आसानी से बना सकते हैं और हर रेट लेते हुए आलू की निकासी करें, क्योंकि ज़्यादातर मंडियों में आज जो है काफ़ी तेज़ी देखी गई है, यानी कि 1 से 1.5 रुपये और 2 रुपये किलो तक की यहाँ पर तेज़ी है। और इस तेज़ी को आप भी बनाएं और अच्छा प्रॉफिट कमाएं, हमारा यही उद्देश्य है। आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी ऑथेंटिक मिलती है। वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि देखने में आता है कि आप वीडियो को शेयर तक नहीं करते हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है लेकिन आपके लिए हितकारी होती है। आज मंडियों में तेज़ी है तो हम आपको तेज़ी भी बता रहे हैं, कल अगर मंडियों में
सुस्ताई है तो उसे भी बताएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो देखना छोड़ें। वीडियो परस्पर देखते रहें, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।